हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर परिवार छोटा हो या बड़ा, इतने सारे काम होते हैं कि उसमें करने में सारा दिन हम लोग का चला जाता है। कुछ ऐसी खास टिप्स का हम लोग को पता हो जिससे हमारा समय और पैसा दोनों बचे, तो ऐसी ही कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर बुक्स और दवा को लेकर के है। आप सोच रहे होंगे इस दवाई के रैपर पे इस बुक्स का क्या काम है, लेकिन जब आप इसका यूज देखेंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। अक्सर क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसको हम लोग कम पढ़ते हैं और उसको उठाकर ऐसे ही रख देते हैं। एक दो महीने बाद जब हम लोग उसको निकालते हैं तो उसमें अजीब तरह की बैड स्मेल आती है और फंगस वगैरह लग जाते हैं। उस समय पर आप क्या करें, इस तरह की कोई भी दवा आप ले लीजिए। अगर आपके पास एक्सपायरी मेडिसिन पड़ी हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आपको एक टेबलेट लेना है, उसको दो पार्ट में कर देना है, बुक में दो तरफ इस तरह से रख देना है थोड़े से पन्ने छोड़कर। अब आप इस बुक को उठा के रख दीजिए। अगर इस बुक को आपको महीने दो महीने तीन बार भी पढ़ना होगा तो इसमें से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी, ये बुक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना इसमें किसी प्रकार का कोई फंगस लगेगा। तो इस तरह से आप बुक्स को अच्छे से सेव कर सकती हैं। ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है और लंबे समय तक काम भी करेगा। जब भी आपको बुक पढ़ना हो, लंबे समय के लिए रखना हो, तो इस टैबलेट का जरूर यूज करें। अगली टिप मेरी यहाँ पर खिड़की को लेकर के। अक्सर क्या होता है, खिड़की में हम लोग जाली लगाकर रखते हैं जिससे मच्छर अंदर ना आए, लेकिन कभी कभी क्या होता है जाली में कोई छेद बड़ा हो जाए जिसके सहारे मच्छर अंदर आ जाते हैं और वो उसी के सारे कमरे में भी आ जाते हैं। उस समय पे आप क्या करें, जहाँ भी जाली में बड़ा छेद हो गया या जाली के आसपास, इस तरह से नहाने वाले साबुन को आप अच्छे से लगा दीजिए। चारों तरफ लगा देंगी तो उससे क्या होगा, अगर मच्छर आएगा तो वो जाली के पास बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, ना खिड़की के आसपास रहेगा। इसकी स्मेल इतनी तेज होती है जिससे मच्छर दूर ही भाग जाएंगे। अगर कोई बड़ा छेद हो उससे भी मच्छर अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। सुबह मच्छर अक्सर खिड़की के पास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से साबुन लगा देंगी, अगर मच्छर आएगा तो वो तुरंत मर जाएगा इसकी बैड स्मेल के कारण। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर इस तरह की जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसको लेकर के है। इसका भी यूज हम लोग अपने किचन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसका बिल्कुल नया और यूनिक इजी तरीका है। आप इसको कैसे यूज करें, सबसे पहले आप एक चाकू को अच्छे से गर्म कर लीजिए और इस तरह से आपको एक कट लगाना है। ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा गहरा रखना है बस। इसका कट इसलिए लगाया है मैंने कि जब आप इसका यूज देखेंगी तो जो बहुत ही काम का है। घर में ऐसा होता है ना कि 10 या 5 के सिक्के, 1 के सिक्के बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा के इधर उधर रख देते हैं, कभी अलमारी में या कहीं ऐसे ही डाल देते हैं, क्योंकि इनका यूज बहुत कम होता है। लेकिन समय पड़ने पे जब इसकी जरूरत होती है तो ये आसानी से नहीं मिलता है। तो आप बच्चों को या अपने आपको इस तरह से जब बॉक्स में इस बॉटल में इस तरह से सिक्के को इकट्ठा करके रख देंगी तो हम लोग को समय पे मिल जाएंगे, बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो आप आसानी से बॉटल को कट कर लिए और सारे सिक्कों को निकाल लीजिए। और ऐसा नहीं कि जहां पर हम लोग ने कट लगाए थे, जहां से सिक्के डाले थे वहां से सिक्के अपने आप निकल आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप काफी सिक्कों को स्टोर करके रख सकती हैं। अगली टिप मेरे यहाँ पर छोले वाले चने हो या काले चने को लेकर के है। दादी नानी के समय पे वो क्या करते थे, अच्छे से धूप दिखाते थे। अगर हम लोग अच्छे से इनको धूप दिखाते तो इसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े नहीं लगेंगे, ना ही छोले चने बिल्कुल खराब होंगे। तो आप क्या करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिनके घर में धूप नहीं आती है, वो इनको कैसे सेफ रख सकते हैं जिससे ये महीने दो महीने तक बिल्कुल खराब ना हो। जब भी आप ज्यादा क्वांटिटी में छोले लेकर के आए तो एक काम जरूर करें, अगर आपके यहाँ धूप आ रही हो तो इसको अच्छे से धूप दिखा दीजिए। अगर धूप नहीं आती तो उस समय आप क्या करें, सरसों का तेल आपको लेना है बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 किलो चने लिए हैं, 1.5 से 2 किलो, तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 चम्मच ऑयल लिया है, सरसों का ऑयल। तो बस आपको लेना है, अच्छे से हाथों में लगाने के बाद पूरे चने में अच्छे से आपको लगा देना है। आपको पूरी अच्छे से कोटिंग कर देनी है। देखिए, जब पूरे चने में अच्छे से ऑयल की कोटिंग हो जाएगी तो जो भी कीड़े मकोड़े ऐसे हो जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि नमी इसके अंदर बहुत जल्दी चली जाती है। नमी जाने के कारण ही इसमें कीड़े और फंगस लग जाते हैं। लेकिन अच्छे से कोटिंग हो जाती है ऑयल की वजह से, जिससे कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और 1-2 महीने तक छोले बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों की। अक्सर क्या होता है, इस तरह की कलछिन चमचा या चम्मच बहुत सारे हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे टांगे। अगर किसी की किचन में अच्छे से स्पेस ना हो, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करती हैं, इसको ऐसे ही किसी डब्बे या बॉक्स में उठा के रख देते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर रुकता नहीं है, इधर उधर गिरता रहता है। तो आपके लिए बहुत ही यूनिक और अच्छा आइडिया लेकर के आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपको क्या करना है, इस तरह की बेल्ट अक्सर घर में पड़ी रहती है, तो ये बच्चों की बेल्ट है जो 2-3 घर में पड़ी रहती है, तो इसका यूज भी हम लोग अपने किचन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी मेहनत नहीं करनी है, बस इसका यूज इस तरह से करना है जिससे हम लोग के चमचा कलछिन बहुत ही आसानी तरीके से और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें आ जाए।
आपको क्या करना है, पहले बेल्ट को अच्छे से आपको सीधा करना है और फिर आपको घर में जो भी रबड़ बैंड आपके पास पड़ी हो, छोटी या बड़ी, आपको उसको ले लेना है। बस आपको आपके पास अगर बड़ी रबड़ बैंड हो आप उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से लगाना है। यहाँ पे करीबन आपको 10 से 12 रबड़ बैंड ले लेनी है, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरी बेल्ट में अच्छे से लगा देना है। जैसे आप इसमें देख रही हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बस आपको इसी तरह से पूरी बेल्ट में रबड़ बैंड को लगा देना है। सबसे पहले आप ऊपर लगाइए, फिर 2-3 रबड़ बैंड करके इसको नीचे ले जाइए। तो इस तरह से आप 10 या 12 जितने भी आ सके आप इसमें लगा दीजिए। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको रबड़ बैंड ज्यादा टाइट नहीं लगानी है। तो देखिए मैंने बेल्ट के उधर पार्ट में लगा दी अच्छे से रबड़ बैंड, अब इस पार्ट वाले पार्ट में भी आपको करीबन 3 से 4 रबड़ बैंड अच्छे से लगा देनी है। इस तरह से हम लोगों का बहुत ही अच्छा से एक ऑर्गेनाइजर बनकर के तैयार हो गया है, जो हम लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ। आपके किचन में जहाँ पर भी जगह हो आप इसको वहां पर हैंग कर दीजिए। ये जो ऑर्गेनाइजर हम लोगों ने तैयार किया है कम पैसे में, जीरो कॉस्ट में और बहुत ही कम जुगाड़ करके इस तरह से हमने इसको तैयार किया है। इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है। अब घर में इस तरह के जो कलछुन है, हम लोगों के पिलर वगैरह है या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग हैंग नहीं कर पाते, इसको रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने रबड़ बैंड बेल्ट में लगाई है। अब बहुत ही अच्छे से कलछुन, चमचा और चम्मच जितने भी है यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हम लोग को मिल भी जाएंगे, बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि कहाँ पर एक ही चीजें एक ही जगह पे सारी चीजें हम लोग को मिल जाए। तो ये देखिए मैं आपको पूरी चम्मच और सब जितने भी चमचे वगैरह थे सब टांग दिया है और इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा चम्मच और कलछुन आ चुकी है। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर कैंची को लेकर के है। कैंची को शार्प करने के बहुत से तरीके मैंने पिछली वीडियो में भी बताए हैं। एक तरीका और बिल्कुल यूनिक तरीका आपको बताती हूँ। जैसे अचानक से कैंची की धार चली जाए या कम हो जाए, उस समय पे आप हाथ में अपने बैंगल या चूड़ी पहने हो तो बस आपको कैंची को इस तरह से लेना है, अपने बैंगल या चूड़ियों में इस तरह से करना है, कट लगाना। इससे आप देखेंगे थोड़ी देर में कैंची बहुत ही अच्छे से शार्प हो गई है। तो ये भी बहुत ही यूनिक जुगाड़ है, आप इस जुगाड़ से बहुत ही अच्छे से कैंची को धार कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आइडिया है, छोटे छोटे जुगाड़ हैं जिसका यूज करके हम लोग अपने काम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डबल फोल्ड कागज काट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही आसानी से कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको चलिए 4 बार भी कागज को फोल्ड करके दिखाती हूँ, तो कैंची कितने अच्छे से शार्प हुई है। फटाफट कागज कट रहे हैं, आप कपड़ा भी काटेंगी तो बहुत ही अच्छे से कटेगा। तो आप इस टिप को एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये छोटे छोटे जुगाड़ और छोटी छोटी टिप जो आपके साथ शेयर की है तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको वीडियो मेरा जरा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। ओके बाय।